मैं डॉक्टर पद्मा मीना बीए पार्ट थर्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा के बारे में जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से महासभा अपना आपातकालीन अधिवेशन बुलाने के लिए शांति के लिए महासभा ने 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि उस समय इस प्रस्ताव को पास करना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि सोवियत संघ सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहा था, लगातार सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार कर रहा था। तब ऐसी स्थिति में अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जैसा कि आप सबको विदित है कि उस समय शीत युद्ध का काल था, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे से अपने आप को वर्चस्वशाली सिद्ध करने के प्रयास में लगी हुई थी। ऐसी स्थिति में जब लगातार सुरक्षा परिषद की बैठकों की जब यूएसएसआर अवहेलना कर रहा था, तब अमेरिका ने महासभा को एहसास करवाया कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करने का दायित्व तो अब महासभा के ऊपर है, क्योंकि उस समय सुरक्षा परिषद की बैठकों का सोवियत संघ द्वारा लगातार बहिष्कार किया जा रहा था। तब ऐसी स्थिति में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि शांति के लिए पारित एकता प्रस्ताव की कौन कौन सी धाराएँ थी जिसके तहत की महासभा जब सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के अपने दायित्व में विफल रहे, तब कौन कौन से किस तरह से कार्रवाई की जाए और शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना सुनिश्चित की जाए। तो एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव की मुख्य 5 धाराएं थी जिनका मैं विवेचन आप सबके सामने करना चाहती हूँ। पहली धारा थी सुरक्षा परिषद के जो 9 सदस्य हैं, उन 9 सदस्यों के मतों से या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव था कि 14 सदस्य शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना हो जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी स्थिति का निराकरण करना। और 14 सदस्य जो शांति निरीक्षण आयोग था उसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि वो सारी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव उसकी तीसरी धारा थी कि 14 सदस्य सामूहिक समिति की स्थापना की जाएगी और इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए इन उपायों का अध्ययन करना था। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की चौथी धारा में सिफारिश की गई कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उद्देश्यों के लिए सदस्य राष्ट्र अपनी सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे और सुसज्जित करेंगे। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की 5वीं धारा थी कि सदस्य राष्ट्रों के, जो यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, उनसे ये सिफारिश की गई थी कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दोहराएंगे, किस तरह से आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित की जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ इसका भी प्रयास करेंगे। तो जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव था उसका उद्देश्य ये नहीं था कि महासभा किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करे और अपने आप को महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करके शक्तिशाली बनाए, बल्कि इसका उद्देश्य तो केवल उन छोटे छोटे भिड़ंतों या मुठभेड़ों को रोकना था जिससे कि कोई महाशक्ति खुल्लम खुल्ला या ओपन होकर भाग लेना नहीं चाहती हो। इसके माध्यम से आक्रमणकारी के सामने ये प्रदर्शन करना था कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सक्रिय और क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय निकाय या संगठन है जिसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई यदि जहाँ संभव न हो तो प्रभावशाली ढंग से वो सदस्य राष्ट्र पर राजनीतिक दबाव डाले ताकि आक्रमण और प्रतिरोध की स्थिति का प्रतिरोध किया जा सके। और मुख्य रूप से शांति के लिए एकता प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य वीटो के डंक को कम करना था, अतः शांति के लिए एकता प्रस्ताव इस तरह से निर्धारित किया गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटी असेंबली क्या थी। क्या हुआ था कि 1947 में जब सुरक्षा परिषद में 27 सदस्यों का उग्र विरोध और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था,
और वीटो का बार बार प्रयोग हो रहा था, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सुरक्षा परिषद युद्ध और आक्रमण की आशंकाओं से ग्रसित विश्व को सुरक्षा दिलाने या शांति बनाए रखने में असफल सिद्ध हो रही थी। इसलिए महासभा ने इन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग की स्थापना की, जिसे कि छोटी असेंबली भी कहा जाता है। तो छोटी असेंबली महासभा से बहुत छोटी है और ये महासभा से महासभा का पाँचों अंश या पंचमांश या सदा अधिवेशन में रहने वाली इसको स्थायी संस्था भी हम कह सकते हैं। इसका गठन तब किया गया जब महासभा का सामान्य अधिवेशन न होगा या महासभा का जब सामान्य अधिवेशन नहीं कर पाएगी तो उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से विचार प्रश्न आते उन पर विचार विमर्श करने के लिए छोटी असेंबली का गठन किया गया था। तो छोटी असेंबली का कार्य क्या था कि वो छोटी असेंबली जांच कमीशन नियुक्त करेगी, आवश्यक अन्वेषण अनुसंधान करेगी और महासचिव को महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश कर सकती है। इसलिए महासभा के प्रत्येक सदस्यों को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। पूर्व में तो ये एक वर्ष के लिए बनाई गई थी लेकिन नवंबर 1949 में इसे अनिश्चित अवधि के लिए पुनर्स्थापित किया गया और 1952 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। सोवियत संघ और उसके समर्थक देश इसके हमेशा ही घोर विरोधी रहे। तो मैं अगले व्याख्यान में आपको बताना चाहूँगी कि महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं या जो इसे विश्व की लघु संसद कहा गया है या विश्व की महासभा कहा गया है तो क्यों कहा गया है, इसके महत्व पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो भाई का फोन आ रहा था।